तो कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी भी सुपर शॉर्ट ट्रिक्स। तो भैया बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है जी। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है बहुत ज़्यादा। जैसे आप क्या मान लो कि क्वेश्चन होता है 0 से 5 x माइनस 2 का मॉड, ठीक है, ये आप लोगों ने स्कूल में पक्का किया होगा। इसको कर देंगे तूफानी ट्रिक, मैं आज आपको बता रहा हूँ क्या शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ध्यान से समझो। जब भी हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, इसके कर देंगे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ग्राफिकल अप्रोच। क्या अप्रोच होता है भैया, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। x माइनस टू का मॉड है तो इसका मतलब है कहाँ पर v बनेगा, मॉड का मतलब होता है v, कहाँ v बनेगा, जहाँ पर जीरो होगा। कहाँ जीरो बन रहा है, दो पर, तो भैया ये बन गया 2, 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया 5, ठीक। अब क्या करना है, 0 से 2 के बीच की दूरी 2 हो गई, 0 पुट करो यहाँ पर, कितना आएगा, माइनस 2 का मॉड 2 आ गया। 2 से 5 के बीच में 3 आ गया, 5 पुट करो 3 आ गया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इसका आंसर हम लोग निकाल देते हैं। भाई कैसे कैसे निकालोगे, दो ट्राइंगल बन गए, दो समकोण त्रिभुज बन गए, उनका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया 4/2 और 9/2, तो कितना आ गया, 13/2 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो इसका ग्राफिकल अप्रोच है। आप क्या, तो भैया तूफानी ट्रिक बतानी है, लो जी लो, सुपर तूफानी, तूफानी भी नहीं सुपर तूफानी। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए मॉडुलस का और ये वैल्यू उसके बीच में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा आप क्या कर देना है, 5 पुट कर दो इसमें, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 पुट कर दो, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 13/2, आंसर आ गया 13/2, बस खत्म खलास, इतना सा काम करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है भाई, अगर मान लो 0 से 7 हो जाए, x माइनस 3 हो जाए, कुछ नहीं करना भाई, 7 डालो, 7 माइनस 3 का स्क्वायर 0 डालो अपॉन 2, खल्लास, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9/2 25/2, कहानी खत्म, समझ गए। तो भैया ये तूफानी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई इसमें, ठीक है, मॉडुलस से भी कर सकते हो, अगर वो चीज़ बीच में नहीं आती है, उसका ग्राफ बनाओ देन उसको सॉल्व कर दो। तो मॉडुलस की ट्रिक तो ये हो गई। एक आती है भाई फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी एक बार बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइंड करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ क्या है ये, उसके बाद मैं आपको इसकी सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या होती थी, थोड़ा सा याद करो, अगर 0 to a होता था, एफ एक्स होता था डी एक्स, तो इसमें 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती, यानी कि a माइनस कर दिया तो एफ ऑफ a माइनस एक्स हो गया, या फिर तो क्या हो जाएगा, a टू b एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दोनों को जोड़ दिया माइनस कर दिया, ये प्रॉपर्टी होती है बढ़िया सी। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या बढ़िया तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन होता है हमारे पास 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करते थे भाई, एक तरीका होता था कि इसको डबल एंगल में ब्रेक कर दो, 1 - cos 2x / 2 कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो, आंसर निकाल दो। एक बढ़िया तरीका होता था भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते थे, शॉर्ट ट्रिक नहीं सॉरी कॉन्सेप्ट, चौथी प्रॉपर्टी लगा दो, π/2 - x कर दो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos² x हो जाएगा।
दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो वन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाय टू हो गया, एक्स आया, एक्स का पाई बाय टू हो गया, फिर आपका आंसर आ गया पाई बाय फोर, है ना। जैसे आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन होता था, है ना, इसमें भी यही करते थे हम भैया, आई मानते थे इसको, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते थे, वन आ जाता था, जोड़ देते थे, फिर ये कहानी करते थे, आंसर हमारा निकल जाता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तूफानी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपको लगे, पता चल जाएगा सीधा सीधा कि भैया वन बनेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर वन बनेगा, ये मुझे स्टेप्स करने हैं, ठीक है, तो आपको इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको पता चल जाए भैया फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर क्वेश्चन बनेगा, वन बनेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, तो कुछ मत करो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट बटे दो, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई टू माइनस जीरो बटे दो, कितना आंसर आ गया पाई बाई फोर। देख लो भैया ऐसे इसको देखो, वन आएगा क्योंकि पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री पाई बाई टू होता है, साठ प्लस तीस नब्बे, ठीक है, पाई बाई टू, पॉज करो, ठीक है जी। तो देखो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अब ये सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं जो उसी फंडे पर बेस हैं। ध्यान से देखो भैया, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, इसमें वही करोगे आप, पहले टेन को साइन कॉस में ब्रेक करोगे, फिर प्रॉपर्टी लगाओगे, वन बन जाएगा, फिर काम करोगे। भैया कुछ नहीं करना, पता चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है, तो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स बटे दो, तो पाई बाय ट्वेल्व डायरेक्ट आंसर आ गया सेकेंडों में। ये भी वही है, दो और तीन पाँच, पाँच माइनस एक्स, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, थ्री माइनस टू अपॉन टू, आंसर आ गया एक बटा दो, तूफानी। ये भी वही है भाई, टू की पावर टेन एक्स है, वन अपॉन, जब पाई माइनस एक्स करूँगा माइनस टेन एक्स आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐड हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो आंसर आ गया पाई माइनस जीरो बाई टू, ठीक है जी। करते हैं अब थोड़ा सा चीज़ों को उलझा भी देता है बहुत बार, कैसे हो सकता है हमसे ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 196 माइनस 28x प्लस एक्स स्क्वायर है। बेटा एक चीज मैं आप लोगों से दोबारा बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, भैया रिकॉर्डेड वीडियो है, आप सिंपल सी बात है कॉपी पेन लेके बैठो, इसमें भी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई किया करो, ठीक है, अपने हिसाब से चीजों को करो, फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां भी जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ये तो यही है हमारा, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये हमारा 14 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक, 4 प्लस 10 14 हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान से सोचो आप, जब इसमें लगाओगे आप तो वही फंडा काम कर रहा है, फिर वन बन जाएगा, ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 14 माइनस एक्स, ये एक्स बन जाएगा, तो इसमें भी क्या करो, 10 माइनस 4 बटे 2, 10 में से 4 गया 6 बटे 2, 3 आ गया, समझ गए। तो भैया इसी तरीके से चीज़ों को सोचना है और काम को करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आगे भी हैं जो मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी भाई, ये मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे इस बात का वेट रहेगा, और आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए मुझे प्लीज़ बताओ, मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।